डेविएशन को देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर डेविएशन क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है डेविएशन का मतलब, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम वन मिरर, एक मिरर अगर अपन यूज करें तो उससे डेविएशन कितना होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले डेविएशन को समझते हैं अपन। जैसे मैंने यहां पे कोई मिरर प्लेस किया और यहां पे कोई रे इंसिडेंट करवाया और इसका लेट से कि नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है, यानी या इसको आई बोल देता हूं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई है, और रिफ्लेक्टेड रे इसका भी अपने को पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, तो ये भी आई। अब डेविएशन क्या होता है, देखो कि रिफ्लेक्टेड रे सॉरी इंसिडेंट रे जा तो इधर रही थी, लेकिन इस मिरर की वजह से इसको जाना किधर पड़ गया, इधर जाना पड़ गया मजबूरी में रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या ये अपने पाथ से डेविएट हो गई? यस सर। तो ये जो डेविएशन है कि जिधर जाना चाहती थी और जिधर जाना पड़ गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को अपन डेविएशन बोलेंगे। डेविएशन क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसी को अपन डेविएशन बोलेंगे, जिसको अपन गामा से डिनोट करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, अब मेरे को यहां पे सोच के बताओ कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 2i। आराम से सोच के बताओ इंसिडेंट रे कितना होगा? i-2i। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं π-2i, कुछ लोग बोल रहे हैं 2i। तो जो 2i बोल रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। अच्छा, एक वेक्टर मेरे पास ऐसे है और दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसे है, तो एंगल जो है इस केस में तुम एंगल बता सकते हो, या फिर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ये एंगल बता सकते हो। वेक्टर के बीच में एंगल्स कैसे देखते हैं? टेल टू टेल जॉइंट, टेल जॉइन होता है दोनों का, दोनों का टेल। जैसे देखो ये वेक्टर ये है और ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, तो हेड टू टेल एंगल नहीं देखते हैं। तो देखो ये एक्चुअली ये वेक्टर जो है वो ऐसा है, इधर जाना चाहता था और ये इधर चला गया, तो ये जो एंगल होगा एक्चुअली यही एंगल एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ये इसको अपन वेक्टर के बीच में एंगल इस टाइप से नहीं देखते हैं, हेड टू टेल देखते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो तुमको सोच के बताओ टोटल एंगल कितना है? पाई, उसमें से 2i माइनस कर दिया, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? पाई माइनस 2i। 2i की जगह मैं 2r भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, एक मिरर अगर यूज करोगे तो सिंगल मिरर से जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो आता है पाई माइनस 2i, या फिर इसको 180 डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 माइनस 2i, एक ही बात है। तो ये अपने को डायरेक्टली फॉर्मूले के टाइप से ध्यान रखना है, कभी कभी अपन डायरेक्टली यूज करते हैं,
उसके बाद अब अपन इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, पाई माइनस टू आई। उसके बाद ये तो सिंगल मिरर से हो गया, ऐसे कैसे नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रॉम टू मिरर। अगर अपन दो मिरर यूज करें तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अगर अपन टू मिरर यूज करोगे जैसे अपन ने एक मिरर ऐसे यूज कर लिया, बस ज्योमेट्री लगानी है अपने, ऐसे एग्जांपल अपन ने किए, एक मिरर में ऐसे यूज कर लेता हूं और लेट्स से कि इन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो अब अगर कोई रे इंसिडेंट करवाए तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उसके बीच में एंगल कितना होगा वो अपने को निकालना है। तो वो टू मिरर से डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो इस टाइप के एग्जांपल अपने लास्ट क्लास के अंदर किए थे, आई थिंक सब लोग ट्राई कर सकते हो। तो जैसे देखो, लेट्स से कि यहां पे किसी भी एंगल, ये थीटा है तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूं कि अल्फा एंगल पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है। तो अपने को पता है कि अल्फा एंगल पे अगर इंसिडेंट होगी तो अल्फा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये लेट्स से कि अल्फा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां पे ये एंगल थीटा, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये कितना होगा बताओ? 180 माइनस पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो इतने एंगल पे अगर इंसिडेंट हो रही है तो उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कितनी हो गई, ये एंगल भी पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो देखो, रे आ तो इधर रही थी, ऐसे आ रही थी, चली इस तरफ गई, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा कैसे निकालेंगे, फटाफट सॉल्व करो, एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी आंसर निकालो। तो आ तो इधर गई थी, चली इधर गई, तो इन दोनों के बीच में, इन वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? जल्दी ट्राई करो। इसको मैं मिरर वन बोल देता हूं, इसको मिरर टू बोल देता हूं। तो देखो है ना, इसको लेंथी कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन ऐसे ट्राई कर जानो, ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि अपने को पता, जैसे देखो एक रे इधर ऐसी है, इसका एक बार डेविएशन इतना हुआ, दूसरी बार डेविएशन सेम डायरेक्शन के अंदर सपोज इतना हुआ, तो टोटल एंगल तो सिंपल टाइप से अपन ऐड कर सकते हैं ना। तो क्या मैं इन दोनों केस में अलग अलग डेविएशन निकाल के ऐड कर सकता हूं क्या? तो मिरर वन से जो डेविएशन हो रहा है उसको मैंने गामा वन बोल दिया, और मिरर टू से जो डेविएशन हो रहा है उसको डेल टू बोल दिया। तो देखो,
फर्स्ट केस में तो अपने को पता है कि ये इधर जाना चाहती थी और इधर चली गई, तो इधर जाना चाहती थी और इधर चली गई। तो अगर इंसिडेंट एंगल, ये तो एक्चुअली अपन ने अल्फा निकाल लिया, इंसिडेंट एंगल की फॉर्म में अगर बात करें, तो जैसे ये इंसिडेंट एंगल आई है तो ये भी जो है वो आई होगा, तो इधर जाना चाहती थी और इधर चली गई। तो अभी अपन ने निकाला है कि ये जो होगा ये एक्चुअली डेल वन हो जाएगा, तो डेविएशन वन कितना हो जाएगा, 180 माइनस टू आई, ये तो अपन ने पहले सॉल्व कर लिया था, पाई माइनस टू आई। अब डेरी तो निकालना है अपने को, तो अल्फा कितना हो जाएगा, इसको मैं आई की फॉर्म में ही कर लेता हूं, देखो थीटा की फॉर्म में नहीं करता हूं, अपन आई की फॉर्म में कर लेते हैं। तो देखो ये आई है, ये आई है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये टोटल 90 है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये 90 माइनस आई है, ये थीटा है, तो बताओ ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बताओ, तीनों एंगल जो है इसमें 180 होने चाहिए, तो 180 इक्वल टू थीटा प्लस 90 माइनस आई, और इसको एच बोल लेता हूं, तो ये हो गया आपके पास 90 प्लस आई माइनस थीटा, ये जो है आपके पास एक्स आ जाएगा, ये आपके पास 90 प्लस थीटा माइनस आई, सर प्लस आई माइनस थीटा, हाँ यही होगा ना, 90 प्लस आई माइनस थीटा, तो ये एंगल अगर 90 प्लस थीटा माइनस आई है, सॉरी 90 प्लस आई माइनस थीटा, प्लस आई माइनस थीटा, 90 प्लस आई माइनस थीटा, ये अपने पास x हो गया, तो ये भी अब ये एंगल, ये पूरा अगर नॉर्मल बनाओ तो ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से ये एंगल चला गया, तो ये एंगल कितना बचा बताओ, थीटा माइनस आई, हाँ इसमें से ये 90 माइनस दिस कर लो, तो 90 माइनस दिस करोगे तो थीटा माइनस आई हो जाएगा, तो ये हो गया थीटा माइनस आई, और ये थीटा माइनस आई है, तो ये I इक्वल टू R होता है, अपने को पता है कि नॉर्मली के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है वही नॉर्मली के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है, तो ये थीटा माइनस I है, तो ये भी थीटा माइनस I ही होगा, और ये भी अपने को पता है। तो अब देखो, अब सेकंड केस के अंदर डेविएशन निकालना है, डेविएशन क्या होता है, ये जाना तो चाहती थी इधर, चली गई इधर, जाना तो चाहती थी इधर लेकिन चली गई इधर, तो क्या ये जो एंगल होगा यही डेविएशन होगा, हाँ। अरे बोलो, जाना इधर चाहती थी चली इधर गई, तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसी को डेविएशन बोलेंगे। तो आप मेरे को सोच के बताओ कि गामा टू कितना होना चाहिए, डेल टू कितना होना चाहिए सेकंड केस में डेविएशन। देखो टोटल एंगल कितना है 180 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो अपने पास सेकंड केस के अंदर डेविएशन आ जाएगा, यानी पाई माइनस टू थीटा प्लस टू आई, 180 माइनस दिस करूंगा तो माइनस टू थीटा प्लस टू आई होगा ना, अरे 180 माइनस दिस तो ये कितना है, टू थीटा प्लस टू आई, क्या यही आएगा, तो टोटल डेविएशन कितना होगा बताओ, टोटल डेविएशन आ जाएगा फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकंड डेविएशन,
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकंड डेविएशन इसलिए कर रहा हूं, तुमको सोचो कि दोनों केस के अंदर क्या डेविएशन सेम डायरेक्शन के अंदर हो रहा है? हाँ सर। देखो फर्स्ट केस के अंदर इधर जाना चाहती थी इधर चली गई, मतलब डेविएशन जो है वो क्लॉकवाइज है। सेकंड केस के अंदर इधर जाना चाहती थी लेकिन इधर चली गई, मतलब अब भी डेविएशन क्लॉकवाइज है। तो दोनों डेविएशन अगर सेम डायरेक्शन के अंदर है तो मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं, तो ये हो गया पाई माइनस टू आई प्लस पाई माइनस टू थीटा प्लस टू आई। तो टू आई से टू आई कैंसिल हो गया, ये हो गया अपने पास टोटल डेल इक्वल टू टू पाई माइनस टू थीटा हो जाएगा। टू पाई माइनस टू थीटा अच्छा थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन मिरर्स, दोनों मिरर के बीच में जो एंगल होगा उन्हीं को अपन थीटा बोल रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर टू मिरर से डेविएशन देखना है तो वो डेविएशन जो है वो इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड नहीं करता। तुम किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करवाओ, चाहे इसके नॉर्मल करवाओ चाहे इसके पैरेलल करवाओ, कुछ किसी भी एंगल पे करवाओ, क्या डेविएशन हमेशा 2 पाई माइनस 2 थीटा ही आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। सिंगल मिरर से जो डेविएशन होता है वो तो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है, बट डबल मिरर से जो डेविएशन होता है वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड नहीं करता, यानी आई पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली फॉर थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा का मतलब एंगल बिटवीन टू मिरर्स, इन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। ये सबको क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? इसको रफ कर दूं क्या? सर एक बार वापस से समझा दीजिए ना शॉर्ट में। ठीक है मैं समझाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया करूँ ताकि अपने को अच्छे से दिखता है। हाँ तो देखो एक बार वापस समझ लेते हैं कि ये कोई रे है, इसको इंसिडेंट करवा रहे किसी एंगल आई पे, ये नॉर्मल बना लिया मैंने। देखो है ना, कभी भी अगर अपने को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो नॉर्मल तुरंत बना लिया करो, मतलब तो इस मिरर का परपेंडिकुलर बना लिया मैंने, इसका एंगल इंसिडेंट एंगल आई है। तो अपने को पता है अगर ये रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसका नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड रे का होगा, मतलब ये भी आई ही होगा। और फर्स्ट केस के अंदर डेविएशन निकालना है, डेविएशन का मतलब होता है जिधर ये रे जाना चाहती थी और जिधर चली गई उन दोनों के बीच में एंगल। तो एंगल अपने को पता है टेन टू टेन देखते हैं, तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया ये सेकंड वेक्टर हो गया, तो ये जो एंगल होगा इनके बीच में इसी को मैं क्या बोलूंगा फर्स्ट केस में डेविएशन। तो ये फर्स्ट केस के अंदर डेविएशन कितना होगा, देखो ये पूरी जो पूरा ये पूरा एंगल कितना है पाई, उसमें से ये टू आई माइनस कर दिया तो पाई माइनस टू आई जो है फर्स्ट केस के अंदर डेविएशन आ गया। अब अगर ये आई है और ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आई है ये थीटा है तो ये कितना होगा, अपने को पता है किस ट्रायंगल से जो टोटल एंगल है उनका सम 180 होना चाहिए, यानी थीटा
प्लस 90 माइनस आई प्लस इसको x बोल देता हूं तो x इक्वल टू 180. तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 90 प्लस i माइनस थीटा. तो अगर ये अब वापस से रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल बना लिया मैंने, तो ये एंगल जो है वो 90 है, उसमें से ये एंगल मेरे को पता है 90 प्लस i माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा माइनस i हो जाएगा. सिंपली 90 माइनस दिस कर लोगे तो थीटा माइनस i हो जाएगा. और ये अगर थीटा माइनस i हुआ तो अपने को पता है इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का दोनों का नॉर्मल के साथ एंगल सेम होता है. ये थीटा माइनस आई हुआ तो ये भी थीटा माइनस आई. अब सेकंड केस के अंदर डेविएशन निकालते हैं कि रे जाना तो चाहती थी इधर, चली गई इधर. इन दोनों के बीच में टेल टू टेल ये जो एंगल होगा इसी को मैं सेकंड केस के अंदर डेविएशन बोलूंगा. तो सेकंड केस के अंदर डेविएशन कितना होगा, टोटल एंगल 180 माइनस दिस, और दिस कितना है 2 थीटा माइनस 2 आई. तो 180 माइनस 2 थीटा माइनस 2 आई. तो ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 आई. तो दोनों डेविएशन निकाल लिए. देखो फर्स्ट केस के अंदर भी डेविएशन क्लॉकवाइज है, सेकंड केस के अंदर भी डेविएशन क्लॉकवाइज है, तो दोनों डेविएशन ऐड हो जाएंगे. तो टोटल डेविएशन हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा. अब समझ में आएगा. हाँ सर. कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ बोलो सर. अगर दो मिरर्स के बीच में 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा? दो मिरर के बीच में 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ तो? हाँ, तो फिर कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी. मैंने सॉल्व करके देखा नहीं कभी, एक बार तुम सॉल्व करके देखना. अपने अपने को पता है कल अपन ने सॉल्व किया था कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ट्राई करके देखना. मैं भी सॉल्व करूंगा आज, तो देखते हैं डिफरेंट आता है कि सेम आता है. हाँ सर. कैसे सॉल्व करते हैं वो तो कल अपन ने एक एग्जांपल लिया था ना. यस सर. तो 3 मिरर वाले अपन ने एग्जांपल तो मैंने डेविएशन वाले किए हैं, बट ऐसे अननोन की फॉर्म में सॉल्व नहीं किया कि आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है. तो ये भी अपन आज मैं सॉल्व करके तुम्हें बताऊंगा. ठीक है. हाँ, तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं अपन. तो इस टाइप से यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा और उस ऑब्जेक्ट की वजह से इन सर आप म्यूट हो गए. हाँ अभी ठीक है ना? यस सर. हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस टाइप से कोई रे आ रही है जिसका वर्टिकल के साथ एंगल 40 डिग्री है, तो अपने को पता करना है कि प्लेसमेंट ऑफ मिरर, मिरर को कहां पे प्लेस करें अपन. मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा कि मिरर को कहां पे अपन प्लेस करें जिससे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाए. रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाने के लिए मिरर को अपने को कहां पे प्लेस करना चाहिए जिससे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाए, बताओ.
प्लेस कर रहे हैं, तो मिरर को कैसे प्लेस करना चाहिए जिससे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे डाउनवर्ड चली जाए। ऐसे डाउनवर्ड जाने के लिए मिरर का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? क्या 20 डिग्री विथ वर्टिकल? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, है ना, सॉल्व करना ये क्वेश्चन है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इसके सॉल्व करने का मेथड क्या होता है ये मैं समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है। कुछ लोग क्या होते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही उनको पता होता है क्वेश्चन का आंसर क्या, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, बट वो बहुत लेंथी कर देते हैं, प्रॉपर मेथड पता नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने का सिंपल तरीका ये होता है कि तुम जो तुम्हें आसानी लग रही हो वहीं पे मिरर को प्लेस कर दो। मतलब जैसे ये इंसिडेंट रे है, मैंने मिरर को यहीं पे प्लेस कर दिया, जो तुम्हें आसान लगा है मिरर को वहीं पे प्लेस कर दो, और उसके बाद देख लो कि रिफ्लेक्टेड रे कहां जा रही है और अपने को कहां पहुंचानी है। उसके अकॉर्डिंग मिरर का रोटेशन अपने को आता है कि मिरर का रोटेशन और रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन किस टाइप से एक दूसरे को चेंज करते हैं। तो देखो 40 डिग्री पे अगर आएगी तो वापस भी 40 डिग्री पे जाएगी, बट अपने को तो इस रिफ्लेक्टेड रे को यहां नहीं पहुंचाना है, स्ट्रेट नीचे पहुंचाना है, डाउनवर्ड पहुंचाना है, यानी इस रिफ्लेक्टेड रे को 40 के एंगल से इस तरफ रोटेट करना है, और 40 के एंगल से अगर इस तरफ रोटेट करना है तो मिरर को रोटेट करना पड़ेगा, और मिरर को रोटेट अपने को पता है कि मिरर को तुम एक्स से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे डबल रोटेट हो जाएगी सेम डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब इसको इधर कितना रोटेट करना पड़ेगा मिरर को बताओ? 20 डिग्री। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 40 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, मतलब अब डाउनवर्ड चली जाएगी, और मिरर को इसको फिक्स कर रखा है अपन, तो मिरर को 20 डिग्री से अगर इधर रोटेट कर रहे हो इसका मतलब इसका मिरर का बताओ वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। तो ऐसे मिरर को प्लेस करना चाहिए जिससे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड जाए। क्या इस टाइप से सॉल्व कर लोगे? यस सर। हाँ, तो ऐसे अपने को समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, एक और सिंपल सा एग्जांपल है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको भी अपन यहीं पे देख लेते हैं कि जैसे अपने से पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे उसका जो वेक्टर इक्वेशन है, इंसिडेंट रे कुछ इस टाइप से आ रही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, वाई कोऑर्डिनेट अलग है, जेड कोऑर्डिनेट अलग है,
यानी वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वेशन दे रखी है, लेट से इंसिडेंट रे आई वेक्टर जो है वो अपने इस टाइप से दे रखा है कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये इंसिडेंट रे है। तो अपने से सिंपली पूछा जाता है कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका एक उसकी इक्वेशन क्या होगी या फिर उसका वेक्टर क्या होगा, उसके वेक्टर में कोऑर्डिनेट किस टाइप से आएंगे, ये अपने से पूछा जाता है। तो कोई बता सकता है क्या? डॉट प्रोडक्ट लेके अरे बोलो, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अरे तुम ऐसे सिंपल सोचो ना यार, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो है एक्स वाई प्लेन है और इस पे कोई रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका तुम सोचो ना कि अच्छा मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, अपने को पता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, वेक्टर चेंज नहीं होता, ओनली फॉर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है रिफ्लेक्शन के अंदर। और अगर एक्स वाई प्लेन, हाँ बोलो, और अगर एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मेरे को बताओ कि कौन सा डायरेक्शन या कौन सी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की? सर माइनस ए माइनस बी और प्लस सी है क्या? नहीं, आराम से सोचो। तो माइनस सी के क्या हुआ? देखो अगर तुमको सोचो ना यार कि अगर एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो वो के वो रहेंगे ना, उनकी तो डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती ना, only for जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा वो तो जेड वाला होगा, लॉजिकली सोचो। जैसे मैं ना इसका सिंपल सा केस ले लेता हूं, देखो जैसे मैं ऐसा कर लेता हूं, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है और इधर से कोई मैं परपेंडिकुलर इंसिडेंस करवा लेता हूं, जैसे यहां पे वेव आई, यहां पे रे आई, इसे 90 डिग्री पे एक्स वाई प्लेन के 90 डिग्री पे ये इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट भी वापस परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो जब रे ऐसे आ रही है और वापस ऐसे जा रही है तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट होने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, क्या एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स ऑपोजिट होंगे? नहीं सर, ओनली फॉर जेड वाला कोऑर्डिनेट ही अपोजिट होगा ना, अगर एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है। यस सर, क्या ये बात समझ में आ रही सबको? हाँ सर। तो बताओ कि आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, इसी के अंदर थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे अपने पास रूम है और रूम की तीनों कंजुगेटिव जो वॉल्स है, जैसे दो तो ये वॉल्स ले लेता हूं, ये और ये,
और एक छत ले लेता हूं मैं रूप पे भी, इन तीनों पे अगर मैं मिरर लगा दू तो आने वाली रे और जाने वाली रे तीनों के बीच में, सॉरी दोनों का, अगर आने वाली रे ऐसी है तो जाने वाली रे का वेक्टर क्या होगा? तो तुम ऐसे समझ लो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, या ये एक्स मान लो और ये वाई मान लो और ये जेड मान लो, तो तीनों से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या तीनों कोऑर्डिनेट्स ऑपोजिट हो जाएंगे? Yes, अगर तीनों से वन बाई वन रिफ्लेक्शन करवाए अपन, यानी अपन ने एक बार तो एक्स वाई से रिफ्लेक्शन करवाया, एक बार वाई जेड से करवाया, एक बार एक्स जेड से करवाया, तो तीनों प्लेन से अगर रिफ्लेक्शन करवाओगे तो वन बाई वन तीनों जो तो ये सिंपल सिंपल से ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये अपने को आने चाहिए, ठीक है? तो ये अपना सिंपल प्लेन मिरर से जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अपन ने ऑलमोस्ट कर लिए। अपन अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इमेज कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन। फ्रॉम प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, इसको मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें रफ आइडिया लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन होगा, उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन होगा उसको इमेज बोलते हैं। तो इसको देखो बनाते हैं आराम से, डिस्टेंस वगैरह वो भी निकालते हैं। जैसे ये अपन ने प्लेन मिरर है और इससे कुछ यहां पे लेट से कि अपना ऑब्जेक्ट है और इससे कुछ एक्स डिस्टेंस पे, तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट अपना एक्स डिस्टेंस पे, तो अपने को जो है इमेज बनानी है। तो इमेज कैसे बनाते हैं इसको भी थोड़ा समझ लेना। इमेज बनाने का मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से रेस निकलेगी और ये रेस जब इस मिरर से कोलाइड करेगी या मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने वाली रेस जहां पे भी मिलेगी उसी को अपन इमेज बोलेंगे। अब मैं इमेज बनाने का तुम आराम से समझना देखो। ब्लर है, बोर्ड ब्लर है क्या? क्लियर है सर। हां सर, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। तो देखो इमेज बनाने का इस पूरी ऑप्टिक्स के अंदर तुम्हें ना एक चीज मैं बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डायग्राम बनाना ही होता है। कि तुम डायग्राम कैसे बनाते हो, अगर डायग्राम अच्छा बन गया मतलब तुमने रेस को अच्छे से दिखा दिया तो तुम्हारी कैलकुलेशन भी, क्योंकि ज्योमेट्री जो लगनी है वो डायग्राम के अंदर ही लगनी है, अलग से कुछ कैलकुलेशन नहीं है। तो अच्छे से अगर तुमने डायग्राम बना लिया, इमेज ऑब्जेक्ट अच्छे से बना लिया तो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इमेज बनाने का सिंपल तरीका, तुम कोई भी तीन रेस का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करवाओगे और जहां पे वो तीनों रेस मिलेगी वहां पे इमेज बना दोगे। और तीनों रेस कौन कौन सी यूज करोगे ये बताता हूं। एक रेस तो हमेशा जो है इसके मिरर के परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट करवाओगे, एक रेस तो
हमेशा इस मिरर की परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाओगे और दो साइड में इंसिडेंट करवाओगे, दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे करवाना ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखो एक रे इधर गई, कुछ एंगल थीटा पे गई तो वापस भी थीटा पे निकल गई, कुछ एक और रे ये भी थीटा पे गई तो वापस थीटा पे निकल गई। अब लॉजिकली तुम सोच के बताओ, देखो इसको मैं एक्सटेंड करता हूं और रिफ्लेक्टेड रे को आपस में मिलाता हूं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे अब आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, अगर ये मिलती हुई अपीयर होगी तो पीछे ही होगी, तो ये यहां पे जो है मिलेगी और इन्हीं इसी इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इमेज बोलूंगा। रिफ्लेक्टेड रे जो है मिरर के पीछे ही मिल सकती थी। तो देखो अब इन दोनों ट्रायंगल से अपने को डिस्टेंस निकालनी है सबसे पहले कि इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी अगर ऑब्जेक्ट इस मिरर से एक्स डिस्टेंस आगे है। तो अगर तुमको सोच के बताओ लॉजिकली कि ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? यस सर। और ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, और एक तो ये जो साइड है वो कॉमन हो गई दोनों के अंदर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है? हाँ सर। दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल हो गई तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल है तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल होगी? इसका मतलब इमेज की मिरर से डिस्टेंस भी उतनी होगी जितनी ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन सर, वो लोग वेटिंग रूम में कहां है? वेटिंग रूम में भाई नहीं है, वेटिंग रूम में। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। लेकिन क्या माइनस साइन यूज करूंगा मैं? माइनस साइन इसलिए यूज करूंगा, जैसे इसको मैं अगर ओरिजिन मान रहा हूं तो एक मिरर के आगे है और एक मिरर के पीछे है, यानी एक प्लस एक्स के अंदर है तो एक माइनस एक्स के अंदर है। इसको मैं 0.0 ओरिजिन मान लेता हूं तो उसके रेस्पेक्ट में बात करता हूं। अपन हमेशा जो एक्सिस है ओरिजिन है वो अपन मिरर लेंस या फिर जिस भी टाइप का अपने पास डिस्टर्बेंस यूज करोगे तुम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अंदर, उसी को अपन ओरिजिन मानेंगे, उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालेंगे। अभी जैसे मैं डिस्टेंस जो निकाल रहा था वो मिरर के रेस्पेक्ट में निकाल रहा था, यानी ये अपना ओरिजिन है, तो इसको मैं प्लस माइनस एक्स मानूंगा तो इसको प्लस एक्स मानूंगा, इसको माइनस प्लस एक्स मानूंगा तो इसको माइनस एक्स मानूंगा, इसको माइनस एक्स इसको प्लस एक्स, कैसे भी कर सकते, बस एक को प्लस तो दूसरे को माइनस। तो जितनी डिस्टेंस मिरर की मिरर से ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी, बट एक अगर मिरर के आगे होगा तो एक मिरर के पीछे होगा। अब देखो तुमको सोचो कि
जैसे ये तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसी को मैं यहीं पे एक्सटेंड कर लेता हूं, ये तो क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता, तो जैसे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो अपने को पता है जैसे हर पॉइंट का मैं इमेज बना लेता हूं, तो इस पॉइंट का इमेज यहां पे बना, तो इस पॉइंट का इमेज यहां पे बनता, इस पॉइंट का इमेज यहां पे, तो क्या इमेज भी ऐसा ही बनता? अरे बोलो। यस सर। अरे जैसे अपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, क्या वैसा का वैसा तुम किसी बड़े ऑब्जेक्ट का भी इमेज बना सकते हो? अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। तो बताओ yes, क्या प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से क्या तुम इमेज बना सकते हो? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसी के अंदर ये बताओ कि ये जो इमेज बनाए वो रियल होगा या वर्चुअल, इमेजिनरी होगा या साइज के अंदर सेम होगा, कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज। वर्चुअल होगा और सेम साइज। देखो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि इमेज के इस मिरर के आगे जो भी चीजें होंगी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि तुम कुछ सोच के देखो ना यार, क्या यहाँ पे इमेज तो बनेगा बट एक्चुअली क्या रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पड़ेगी? अरे बोलो। नहीं, अपने को ऐसा एपियर होगा कि यहां पे मिल रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो फिर मेरे को बताओ कि प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन है इसके अंदर जो इमेज बनेगी, सबसे पहले तो इमेज इमेज की प्रॉपर्टी लिख लेता हूं। इमेज जो है पहली चीज तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी, दूसरी चीज वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे है। अच्छा, क्या सेम साइज की होगी? यस सर। हां सर। सेम साइज की होगी। उसके बाद मेरे को बताओ कि अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो इन्वर्टेड होगी या फिर सेम टाइप से बनेगी? सिलेक्ट होगी सर। इन्वर्टेड होगी, इसको समझते हैं। देखो ध्यान रखना, इन्वर्टेड का मतलब समझते हैं अपन कि तुमको सोचो कि जैसे अपने पास ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो देखो सीधी लाइन जो है वैसे उसका इमेज तो ऐसा सीधी लाइन बनी। अब हर पॉइंट के टाइप से अगर बनाऊंगा तो इस लाइन से ये जो लाइन है वो इमेज मिरर से कम डिस्टेंस पे, तो इसका इमेज भी कम डिस्टेंस पे बनेगा, यानी इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि
ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस सेम होती है, तो अगर इसका इमेज अगर ऐसा बनता तब तो तुम सोचो ना यार कि ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाती, ये डिस्टेंस कम हो जाती। तो तुमको सोच के बताओ क्या ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही बनेगा? ये इमेज मैंने सही बनाई क्या? यस सर। हाँ सर। तो फिर ये सेम ये जो है इन्वर्टेड है या नहीं बताओ? एक ऐसी बन रही है और एक जो है वो ऐसी बन रही है, ये दोनों एक दूसरे के और जो है सेम फेसिंग है यानी ऑपोजिट है, इन्वर्टेड बोलेंगे इसको। अरे बोलो। हाँ सर। तो इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं है? तो अपने को प्लेन मिरर से ये सारी चीजें इमेज की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, सेम साइज की बनेगी, मतलब जो इमेज की लेंथ होगी वही ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। लेकिन अगर जैसे ऐसे ध्यान रख लो, जैसे अगर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये लेटरल इन्वर्जन है ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो अपने को देखने से समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट उल्टा थोड़ी हो रहा है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। यस ठीक है। अब देखो इसके अंदर है ना एक और वर्ड यूज होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, नाम से ही पता चल रहा है मैग्निफिकेशन, या तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो है कितना इरेक्ट हो गया है या कितना कंप्रेस हो गया है। तो सेम लेंथ का यानी है यहां पे मैग्निफिकेशन 0-1 होगा। क्या मैग्निफिकेशन पहले वर्ड सुना है कभी? हाँ सर सुने हैं सर। मैं इसको वापस से डिफाइन कर लेता हूँ, सिंपल सा वर्ड है, ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन का मतलब जिसको अपन एम से डिनोट करेंगे, मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो है वो डबल साइज का बन रहा है तो अपन बोलेंगे कि मैग्निफाइड इमेज बन रही है, यानी मैग्निफिकेशन उसका 2 है। इस केस में बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा? 0-1। अब देखो यहां पे है ना मैग्निफिकेशन में +1 बोल रहा हूं, +1 इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। जैसे अगर ऐसा इमेज बनता, जैसे एक ऐसा बनता ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज अगर ऐसा बनता होता, यानी लेंथ तो सेम है बट कंप्लीट इन्वर्जन हो गया, तो इसको अपन -1 बोलेंगे क्योंकि ये प्लस, ऐसे समझ लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अभी दोनों डिस्टेंस प्लस वाई के अंदर है तो दोनों पॉजिटिव हुआ, ये +1। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अभी जो डाउट पूछ रहे तो कि इन्वर्जन का मतलब क्या है। अब अगर यही इमेज इस वाई एक्सिस के नीचे होता तो मैग्निफिकेशन क्या लिखता मैं? -1। यस। अरे बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, तो ध्यान रखना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे इसकी अगर प्लस एल लेंथ है तो इमेज की भी प्लस एल है,
इसलिए प्लस वन आ गया मैग्निफिकेशन। तो प्लेन मिरर से आई थिंक इमेज बनाना बहुत आसान है बस। और ये तो है ना अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, सुबह सुबह ही शीशा देखते हो ना, तो मिरर सुबह सुबह देखते हो, वही प्लेन मिरर है। तो अपना माउथ, अगर अपना जो फेस है, अपना फेस अगर जैसे सपोज नॉर्थ फेसिंग है, अपना फेस अगर नॉर्थ फेसिंग है तो जो इमेज बनती है वो अपनी तरफ ही बनती है, मतलब साउथ फेसिंग बनती है यानी, और सेम साइज की बनती है। ऐसा तो नहीं लगता किसी को सुबह सुबह चेहरा अपना बड़ा लगता है जब मिरर में देखते हो या छोटा लगने लग गया, सेम साइज का बनता है। ऐसा होने लग गया तो फिर अपन पहचान नहीं पाएंगे खुद को। तो प्लेन मिरर में इमेज सेम साइज की बनती है, सारी चीजें सेम होती है, ओनली फॉर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, यानी एक की अगर नॉर्थ फेसिंग है तो उसका इमेज जो है साउथ फेसिंग होगा। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। एक्स के डायरेक्शन में है या प्लस एक्स फेसिंग है तो इमेज माइनस एक्स फेसिंग होगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। बाकी मैग्निफिकेशन वगैरह वन ही होता है, बिल्कुल भी मैग्निफाइड नहीं बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो ये अपन ने इमेज फॉर्मेशन देखा प्लेन मिरर से, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।